तो चल जैसा नज़ारा है सुबह का, अभी 8:30 बज रहे हैं। क्या खा रहा, क्या खा रहा? ओय काटना मत, डरा रहा मुझे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है यार सुबह का, 6 बज रहा है और आज मुझे जाना है अल्मोड़ा, थोड़ा बहुत काम है वहाँ पर अपना, और उसके बाद हम चलेंगे वहीं से आगे चितई गोलू देवता के मंदिर में दर्शन के लिए। तो फटाफट से तैयार होते हैं क्योंकि शाम को फिर वापस भी आना है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पर लाइक कमेंट करना मत भूलना, बाकी बने रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। इस गाड़ी को लेके जाएंगे पल्सर में। मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि जहाँ पर ख़राब रोड है उसमें आवाज़ बहुत करने लगती है, फाइबर जो है इसका। चलो बाय बाय, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, अभी हल्द्वानी क्रॉस करते हैं जल्दी से, फिर दिखाते हैं आगे का सफ़र अपना। पहले थोड़ा तेल भरा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे को रास्ते में। हल्द्वानी हो गया अपना क्रॉस, अभी पहुंचे हम रानीबाग पुल पे। यहाँ से अल्मोड़ा है 76 किलोमीटर। अब मौसम जो है ठंडा ही हो रहा है अभी तो यार, हल्की हल्की धूप आ रही है। अब तो आगे को और ठंडा होगा क्योंकि अब पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत रहता है, सारी पहाड़ जाने वाली गाड़ियाँ सुबह जल्दी ही निकलती हैं। तो अभी पहुंच गए भैया भीमताल। भीमताल में निकलेंगे हम ठंडी रोड से क्योंकि यहाँ जो है इसी रोड से जाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से ताल का व्यू ना बड़ा ज़बरदस्त आता है। उस साइड से तो पेड़ वगैरह लग जाते हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है, तो अंदर ही अंदर निकलेंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह का, अभी 8:30 बज रहे हैं, धूप निकली है नहीं, दूर दूर पहाड़ों में ही धूप दिख रही है और मौसम बढ़िया हो रहा है एकदम ठंडा। तो अभी भवाली क्रॉस करके पहुंच गया हूं मैं कैंची धाम मंदिर पे। तो काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, अंदर लाइन लगी हुई है। तो अभी मैं निकल रहा हूं सीधे अल्मोड़ा को, वहां से अपना काम निपटा के उसके बाद फिर आते टाइम चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाम लगा हुआ है तगड़ा, गाड़ियां जो हैं रोड पे ही खड़ी कर देते हैं लोग, और आने जाने वालों के लिए फिर जगह नहीं बचती है। ये देखो पूरी पार्किंग साइड से। अभी पहुंच गया भैया मैं अल्मोड़ा, और ये है अल्मोड़ा की धारण वाला मार्केट। धूप आज निकली नहीं है,
टाइम 11 बजने वाला है, ठंडा काफी हो रहा है। एक तो कपड़े भी हल्के पहन के आया था मैं, तो धूप आने का नाम नहीं ले रही आज। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं आगे चितई गोलू देवता का मंदिर, तो वहाँ दर्शन करके उसके बाद आएंगे वापस अल्मोड़ा, और यहाँ थोड़ा बहुत काम है वो निपटा के फिर निकलेंगे हम हल्द्वानी को। और कुछ ऐसा है अल्मोड़ा का व्यू ये एनटीटी साइड से। एनटीटी साइड पहुंचा हूँ अभी मैं, एनटीटी से थोड़ा सा नीचे हूँ, तो दिख रहा है पूरा अल्मोड़ा नाइट टाइम में, और अच्छा लगता है जब लाइटें जलती हैं, नाइट व्यू बड़ा मस्त आता है यहाँ से। तो पहुंच गए भैया अभी मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ से जाते हैं अंदर दर्शन वगैरह करने। घंटियाँ देखो कितनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ अंदर। क्या खा रहा, क्या खा रहा? ओए काटना मत, डरा रहा मुझे। गोलू देवता को जो है न्याय का देवता भी कहा जाता है, और यहाँ पे इतनी सारी ये चिट्ठियाँ टकी हुई हैं देखो। तो लोग जो है अपनी मनोकामनाएं इन चिट्ठियों में लिख के यहाँ पे टांग के जाते हैं, और उनकी मनोकामनाएं जो हैं पूरी भी होती हैं। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पे चिट्ठियाँ टकी हुई हैं। तो ये यहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं हम अभी, तो अब जा रहा हूँ मैं आगे डाना गोलू देवता के मंदिर में, क्योंकि पहले यहाँ आना पड़ता, उसके बाद ही जो है डाना गोलू देवता के मंदिर में पूजा होती है। तो अभी चलते हैं फिर वहीं से अल्मोड़ा को निकल लेंगे हम लोग। तो अभी पहुंच गया हूं मैं डाना गोलू देवता के मंदिर में। डाना गोलू देवता को जो है पहाड़ों का रक्षक माना जाता है, शैल शिखरों का रक्षक भी माना जाता है। तो अभी डाना गोलू देवता के मंदिर से निकल के आ गया हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ मैं अल्मोड़ा मालरोड की तरफ, क्योंकि जाते वक्त मैं गया था धारा नौला वाले रास्ते, और अभी ऊपर वाले रास्ते आया हूँ मार्केट के। तो ये अल्मोड़ा की मार्केट स्टार्ट हो गई है, ये है यहाँ का विशाल मेगा मार्ट। और यहाँ से आगे जो है पठाल मार्केट है, पठाल मार्केट यहाँ पे से स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट हो गई है अल्मोड़ा की माल रोड, और यहाँ पे काफी फेमस जो है मिठाई की दुकान है खेम सिंह मोहन सिंह की, अंग्रेजों के जमाने की मिठाई बेचते थे, मतलब अंग्रेजों के जमाने में मिठाई बेचते थे और अब तक बेच रहे हैं। और यह है यहाँ का अल्मोड़े का बस अड्डा,
जो कि बहुत ही कंजेस्टेड है। अभी नया बस अड्डा पता नहीं, कहाँ बनेगा, कब बनेगा। एक गाड़ी खड़ी तो दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। जब कॉलेज करते थे तो इन रोडों में पैदल घुमा करते थे, उस टाइम पे बाइक वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो पैदल ही जाते थे कॉलेज। कॉलेज काफ़ी आगे है, SSG कैंपस पहुंच गए चौहान पाटा। तो ये हर मुड़ा का SSG कैंपस, जूलॉजी फैकल्टी है इस साइड में। मैंने सोचा कॉलेज देखते हुए यहीं से निकलेंगे हम नीचे करबला की तरफ, कभी यहाँ घुमा करते थे हम जब कॉलेज करते थे। क्लास तो बहुत कम अटेंड की, बस इलेक्शन में मजे लिए और कुछ नहीं। तो यह है मेन कैंपस, शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा। यह है गर्ल्स हॉस्टल शैलजा छात्रा छात्रावास। नीचे है बास्केटबॉल ग्राउंड, एक साल कॉलेज की टीम में मैंने भी खेला था यहाँ से, तो इतनी दूर पैदल चल के आना पड़ता था। तो भैया एग्जिट हो गए हैं कैंपस से, और ये बेस हॉस्पिटल वाली रोड है, इसी से आगे हम निकलेंगे करबला। तो करबला से फिर हल्द्वानी वाले हाईवे में निकल जाएंगे। ये अभी पहुंचा हूं मैं खैरना से, लगभग 7-8 किलोमीटर पीछे हूं, और सामने जो रोड जा रही है खैरना हाईवे है, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को जो कनेक्ट करता है। और मैं आया हुआ हूं रोड से नीचे, अभी ये नदी बह रही है सामने, कोसी नदी। एकदम देखो कितना साफ पानी है। काफ़ी टाइम से आने की सोचता था मैं, क्योंकि आते जाते देखता था यहाँ से, तो व्यू जो है बहुत मस्त आता है यहाँ पर, तो आने की सोचता था, आ नहीं पाता था। लेकिन इस बार सोचा था बाइक लेकिन नीचे आऊँगा अपना नदी तक, क्योंकि पहले रोड थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो रोड बंद कर दी है शायद खनन वगैरह के चक्कर में, तो रोड बंद होगी, तो पैदल ही मैं नीचे उतर के आया हूँ। तो थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे हल्द्वानी की ओर। यार बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर धूप आई थी, अब वो भी भाग गई, ऊपर को तो हार गई है। ज़्यादा टाइम हालत ख़राब होगी, क्योंकि यार आज बादल थे सुबह से जब मैं निकला हूँ हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुँचने तक, उसके बाद आने तक भी बादल ही थे। अब जाके थोड़ा धूप आ रही थी, धूप सेक रहा था आराम से, लेकिन अब धूप भी भाग गई। तो चलते हैं, हम निकलते हैं। तो अभी पहुँच गए भैया गर्म पानी में, अब यहीं कहीं रुक के थोड़ा चाय पानी पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। सुबह से कुछ खाया है नहीं। तो आ गई भैया अपनी पकौड़ी और चटनी, और मैगी भी ऑर्डर की है मैंने। भैया नाश्ता पानी हो गया अपना, चाय मैगी पकौड़ी जो जो मिला सब खा के आ गया, इसलिए आजकल मोटापा भी बढ़ रहा है। अब कल से जिम भी स्टार्ट करना है, पेट बाहर को निकल रहा है आजकल। तो भैया पहुंच गए हैं कैची धाम,
तो यहीं पे कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने। तो ये है भैया अपनी भीमताल की ताल, और ये देखो इनको सारा ठंडा नहीं लगता होगा, जब देखो पानी में, इतने ठंड में भी पानी में घूम रहे हैं मस्त एकदम। धूप तो भाग गई भीमताल से, ठंडा भी होने लग गया, अब हवा चल रही बड़ी खतरनाक। चलो चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। तो भैया फाइनली पहुंच गए हैं अपनी गली में, रात ही होगी पहुंचते पहुंचते। ओह हनी सिंह,